तो आए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्नैपसीड से सीवी एडिटिंग कैसे करें और बैकग्राउंड इरेज कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले अपन फ़ोटो में जाते हैं, उसमें से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से शेयर कर देंगे स्नैपसीड में। स्नैपसीड में शेयर करने के बाद यहाँ टूल्स का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डर्मा लिखा रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। डर्मा का आइकन देखिए यहाँ पे है। सबसे पहले हम इसको सीवी एडिटिंग करेंगे, तो सीवी एडिटिंग करने के लिए हमको डर्मा में ही जाना पड़ेगा। तो डर्मा में जाने के बाद यहाँ पे डर्मा 1 डर्मा 2 लिखा है, तो हमको डर्मा 2 पे जाने के बाद इसकी कैपेसिटी जो है, स्ट्रेंथ जो है, इसको हम मान लीजिए 60 कर लेते हैं, 60 नहीं और कम कर लेते हैं, हाँ 25 कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से देखिए डर्मा को 100 पूरा ब्रश को 100 ले लेना है और उसके बाद इसको कर देना है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों ये हो गया है। उसके बाद एकदम जीरो कर लेंगे डर्मा को और उसके बाद लिप्स पे इसको क्लियर कर देंगे। अब हो गया। अब हम टूल्स में जाएंगे और डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे, इसमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपन हम बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे, जो आपको बैकग्राउंड लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आज इस बैकग्राउंड को लगाता हूँ। इसकी कैपेसिटी को पूरा फुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिवर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू एडिट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे, फिर ब्रश का ऑप्शन देगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 100 कर लेंगे पूरा 100। उसके बाद साइड साइड से देखिए इरेज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मैं दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप लोग एकदम आराम से कर लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अभी हो जाएगा। तो ऐसे करके साइड साइड से पहले आप लोग आसानी से इरेज करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे साइड साइड से अगर आप लोग मार लेंगे पहले, उसके बाद आप लोगों को तुरंत इरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग मारेंगे, देख लीजिए बहुत ही अच्छे से आराम से हो जा रहा है और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से अभी एडिट हो जाएगा ये पिक।
ये पूरा इरेज कर लेंगे अब। हाँ तो दोस्तों ये पूरा अच्छे से इरेज कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे से इरेज हो रहा है आराम से, वरना ख़राब हो जाएगा तो फिर से इरेज कर देंगे, हो जाएगा। हाँ तो ये दोस्तों पूरा इरेज हो रहा है, चलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग बैठ करके आराम से इरेज कीजिएगा। हाँ तो ये दोस्तों देखिए हो चुका है, उसके बाद सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फ़ोटो बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर आप लोगों को फेस पे और भी थोड़ा सा लाइट अगर चाहिए तो आप सिलेक्टिव में जा कर के लाइट कर सकते हैं, देखिए लाइट हो जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो सही नहीं लगेगा, तो आप इतना कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, चैनल को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।